इन दिनों सोशल मीडिया पर हैशटैग आबिद खान को बर्खास्त करो काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कौन है आबिद खान। तो वो हम आपको बताते हैं। आबिद खान रीवा के एसपी हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मंदिर में अकेले पूजा कर रहे पुजारी को बेरहमी से मारा और पूजा के सामान को बिखेर दिया, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया के साथ साथ अलग अलग जगहों से उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं जैन आचार्य सूर्य सागर और उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। लॉकडाउन की स्थिति है पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। केवल और केवल हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन किया 21 दिन का, और हम सारे के सारे साथी, सारा हिंदू समाज, हर मंदिर, हर पुजारी, हर पंडित इसका इस आदेश का पालन कर रहा है हृदय से। यहां पर कहा गया कि 2 और 4 की संख्या में तुम लोग एक जगह पर रह सकते हो, लेकिन अधिक संख्या में कहीं पर भी रहने का विधान नहीं है इस लॉकडाउन की स्थिति में। और यहां पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन की भी सहायता और सहयोग पूरा हिंदू समाज कर रहा है, ना कि कोई मुसलमान सामने आकर के मदद कर रहा है उस पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की, कानून की। मध्य प्रदेश में रीवा, जहां एक मंदिर में एक पंडित, एक पुजारी प्रार्थना कर रहा है परमात्मा की, नवरात्रि का अंतिम दिन है, देवी मां की साधना आराधना कर रहा है, अकेला बैठा है। उस समय वहां का एसपी आबिद खान, मुसलमान आबिद खान वहां पर प्रवेश करता है और अपने जूते से, अपने बूट से, अपने जूते से वहां पर उस पुजारी को मारता है। वहां पर पूजा ने इस्तेमाल किया हुआ द्रव्य को लात मारकर, वहां के जल को लात मारकर उसका अपमान करता है, उसको मारता है लातों से, जूतों से। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी व्यवस्था है? यहां पर मस्जिदों से जितने भी निकले वो सैकड़ों की संख्या में निकले, ना कि एक व्यक्ति मिला है मस्जिद में। यहां मंदिर में केवल और केवल एक व्यक्ति, वह भी लाचारी से कहता है कि नवरात्रि का अंतिम दिन है, मैं मां की साधना कर रहा हूं साहब, अकेला हूं मैं। लेकिन फिर भी इस निर्दयी आबिद खान ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी जात दिखा दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, केंद्र सरकार से हृदय से मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे जाहिल को, ऐसे मदरसा छाप को, ऐसे कानून के साथ मजाक करने वाले को, ऐसे कानून का अपमान करने वाले को, ऐसे कानून को हाथ में लेने वाले को, ऐसे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने वाले आबिद खान को तत्काल सस्पेंड, परमानेंट किया जाए। बस हम मांग करते हैं, मैं आचार्य सूर्य सागर वडोदरा गुजरात से, उस आबिद खान को परमानेंट सस्पेंड करने की मांग करता हूं सरकार से, प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से। यह तो मेरे धर्म का अपमान है, यह तो मेरे रीति रिवाजों का अनादर है कि जूता और चप्पल पहन करके वो हरामखोर मंदिर में जाकर के पुजारी को लात मारता है, जबकि यह कानून है, संविधान में भी यह तरतूद है कि अगर तुम किसी मंदिर में जाते हो, प्रवेश करते हो, तो अपना बेल्ट, पुलिस अपना बेल्ट और अपना हथियार बाहर रखना चाहिए, ना कि मंदिर में आने के बाद उस हथियारों का, उस बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कानून संविधान का सबसे बड़ा अपराध है, संविधान का सबसे बड़ा मजाक है, और आबिद खान को इसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी ही चाहिए। वंदे मातरम, जय मां भारती। हालांकि जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। असल में न्यूज की पड़ताल में हमें पता चला कि इन तस्वीरों में जिस पुलिसकर्मी को एसपी आबिद खान बताया जा रहा है वो आबिद खान नहीं बल्कि सिविल लाइन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा है, और उस वक्त आबिद खान वहां मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि पुजारी मंदिर में अकेले पूजा कर रहा था, लेकिन ये सरासर झूठ है। मंदिर में पूजा करते हुए पुजारी के अलावा बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद थी, जिनकी तस्वीरें भी उस वक्त ली गई थी, और सभी महिलाएं मंदिर में पूजा करने के लिए आई हुई थी। और हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में जिस जगह पर भी भीड़ जमा होती है, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई जरूर करता है, चाहे वो मस्जिद हो या फिर मंदिर। और न्यूज आप सभी लोगों से ये विनती करता है कि आप सभी लोग इस तरह की अफवाहों से बचें, ताकि मुश्किल घड़ी से एक साथ निपटा जा सके। न्यूज डेस्क।